5.7 वेरिकल है हमारा बेटा। द वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 मीटर पर सेकेंड स्केल। जी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 4.0 मीटर पर सेकेंड स्केल। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के मरकज से 10,000 किलोमीटर के फासले पर। अब यानी कि जमीन का मरकज होता है बेटा ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट, और यहां से यहां तक जमीन का रेडियस होता है आर, और कोई जिसम हमारे पास पड़ा है 10,000 किलोमीटर की हाइट पे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? आर प्लस एच इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। अब किलो की जगह पे हम लगा सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और ये मीटर वैसे का वैसे ही। अब आगे रीड आउट करते हैं। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, वो कहता है मास ऑफ अर्थ फाइंड करो। अब वही फार्मूला जो हम पहले यूज कर रहे हैं, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच के होल का स्केयर। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये कैपिटल जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। बाकी क्या, ये मास ऑफ अर्थ का हमारे पास फार्मूला बन गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है। छोटे जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4.0, और आर प्लस एच हमारे पास दिया गया है 10,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसका स्केयर, क्योंकि आर प्लस एच का स्केयर भी है। और नीचे कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब यहां पे देखें 4.0 वैसे का वैसे, ये 1 के साथ 4 0 लगी है, 4 0, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास है 10 की पावर 3 वैसे का वैसे ही। नीचे 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 वैसे ही 4.0, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 ये दोनों एड अप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 4 प्लस 3 कितना होता है? 4 प्लस 3 7 होता है, और ये स्केयर ऊपर वैसे का वैसे ही। नीचे 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अगर आप कैलकुलेटर पे 4.0 को 6.673 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है बेटा 0.5994, और 10 की पावर 7 का स्केयर है, तो 7 2 कितना होता है? 7 होता है 14, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 14, और ये -11 है। नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 की पावर +11। अब यहाँ पे 0.5994, अब ये 10 की पावर 14 है, ये 10 की पावर 11 है, पावरे क्या हो जाएंगी? पावरे ऐड हो जाएंगी, फिर वही चीज, क्योंकि बेस सेम है, दरम्यान में मल्टीप्लाई है, पावरे ऐड। ये 10 की पावर 14 है, ये 10 की पावर 11 है, और 14 और 11 होता है बेटा 25। अब अगर हम पॉइंट जीरो के बाद, अगर हम पॉइंट को यहां पे लेके आए, एक इंसा इधर लेके जाए, तो ये हो जाएगा बेटा 5.99 मल्टीप्लाई। अब एक इंसा हम इधर गए हैं, लेफ्ट टू राइट, बाई से दाई जाना गए हैं, तो पहले क्या है, पावर 25 है, अब कितनी हो जाएगी? 24, क्योंकि जब हम बाई से दाई जाना जाते हैं तब हम माइनस करते हैं, जब हम दाई से दाई जाना जाते हैं तब हम क्या करते होते हैं? तब हम करते हैं प्लस। और ये हमने क्या करना है? मास ऑफ अर्थ, और मास का हमारे पास यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ गया 5.8 न्यूमेरिकल है। वो कहता है एट व्हाट एल्टीट्यूड, किस बुलंदी पर, एट व्हाट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, हाइट हमने क्या करनी है? फाइंड। एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जमीन की सरफेस के मुकाबले में वो हाइट हमने फाइंड करनी है जहां पर जी की वैल्यू 4 गुना रह जाए, यानी कि जमीन के सरफेस पर वैल्यू है जमीन की 10। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू होती जाती है बेटा कम। वो कहता है कि वो हाइट फाइंड करें जहां पर जी की वैल्यू कितनी रह जाए? 4 गुना रह जाए, 1/4 रह जाए। तो जी की वैल्यू जमीन की सरफेस पे कितनी होती है? 10। 10 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड
ये हाइट हमने फाइंड करनी है, आगे इसका फॉर्मूला वही जो हमने अभी यूज किया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ए ओवर आर प्लस एच के होल का स्केयर। अब ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। हमने ये एज फाइंड करना है, इधर स्केयर है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं, स्केयर से ज्यादा कैंसल। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास, आर प्लस एच इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ए ओवर छोटा जी, यही चीज। सिर्फ हमने ऊपर अंडर रूट लिया, स्केयर रूट लिया है, किस वजह से कि यहां पे स्केयर है, इसका स्केयर हमने एंड करना है। अब यहां पे देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है, एज फाइंड करना है, एज इधर रहेगा, बाकी सारा कैपिटल जी एम ई ओवर जी, और ये आर इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये आर हो जाएगा नेगेटिव। अब सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है, कैपिटल जी की जगह पे आ जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई 10^-11, मास ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.0 × 10^24, और अगर छोटे जी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास इधर दी हुई है 2.5 − रेडियस। रेडियस ऑफ द अर्थ, जमीन का रेडियस कितना होता है, 4 6 4 00 × 10^3। अगर हम कैलकुलेटर पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 40.038, और ये 10^-11 है, ये 10^24 है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और नीचे ये हमारे पास 2.5 वैसे का वैसे ही, −6 4 00 × 10^3, ये भी वैसे का वैसे ही। अब अगर हम 40.038 को 2.5 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 16.0152 × 10^13। ये 24 पॉजिटिव है, −11, और 24 में से −11 किए तो ये हमारे पास बच गए बेटा 13, और ये साथ में वैसे का वैसे ही आ गया 10^3। अब अगर हम इसका जजर लें, इस सारे का जजर लें, तो ये हमारे पास वैल्यू बचती है ऑलमोस्ट, इसका अगर हम जजर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1.265512 × 10^7, बाकी वैसे का वैसे ही × 10^3। अब यहां पे 10^3 है, यहां पे है 10^7। अगर हम पॉइंट को 3 इंच से इधर लेके जाए, क्योंकि ये 10^7 है, इसको हमने बनाना है 10^3। अगर ये भी 10^3 बन जाएगी तो ये पहले ही 10^3 है, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो हम पॉइंट को 3 इंच से इधर लेके जाते हैं, यहां पे पहले पहले इंच के बाद इशारी है, अब हम लेके जाते हैं इसके बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 12.65 के बाद इशारी आ जाएगा, 512 × 10^3 −6 4 00 × 10^3। अब यहां पे भी 10^3 है, यहां पे भी 10^3 है, तो हम क्या करेंगे, −6 4 00, ये भी 10^3, ये भी 10^3, ये बाहर हमने क्या कर ली, ये बाहर कॉमन ले ली। अब अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 6255.12 × 10^3। अब ये देखो 6255.12, 10^3 को मैं किलो भी लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। और हमने फाइंड करनी है हाइट, और हाइट का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर, तो किलो के साथ क्या लगा देंगे, छोटा सा मीटर भी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6255.12।